हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहली वाली वीडियो में आपको नर्वस सिस्टम पूरा क्लियर कर दिया था। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, दोनों लैंग्वेज में नोट्स देता हूँ। कोई डाउट रहता है स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो करके आप लोग के क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इससे बिल्कुल मेरी गारंटी है पूरा वीडियो देखना एंड तक। जाते जाते न्यूरॉन से रिलेटेड सारे डाउट मैं क्लियर करके दूंगा, न्यूरॉन का टाइप बताऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाता हूं। यार वीडियो को प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वीडियो देख लेते अगर लिटरली आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, मेरी वीडियो में समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। न्यूरॉन्स क्या होते हैं समझिए। न्यूरॉन्स सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सिंपल बात है कि यहाँ न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है। अब देखो, नर्वस सिस्टम बना ही न्यूरॉन कोशिकाओं से। आपको पता है कोई भी सिस्टम बनता है, सिंपल बात है, तो एक कोशिका उसमें लगती है। उस जैसे कि मेरे लीवर की बात करता हूँ, लीवर मेरी हिपेटिक कोशिकाओं से बना होता है। तो हिपेटोसाइट संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मेरे लीवर की है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे न्यूरॉन्स जो है, मेरे न्यूरॉन्स मेरे दिमाग ब्रेन नर्वस सिस्टम के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का मतलब होता है जो कि बनावट, क्रियात्मक मतलब जो कि फंक्शन करवाए। ठीक है, न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है। आगे बढ़ता हूं, दिस न्यूरॉन सेल हेल्प टू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल। अब ये नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, एक बार हिंदी में देखो। ये न्यूरॉन कोशिकाएं किसी भी प्रकार के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती। जो मैसेज जो जनरेट होते हैं, उन मैसेज को मैं सिग्नल कह सकता हूँ, इम्पल्स कह सकता हूँ। इम्पल्स का मतलब होता है वही संदेश सिग्नल। जैसे मेरा हाथ है, मैंने काटा चुभोया, एकदम झुंझुनी आ जाती, क्या हो गया, एकदम हाथ हटा ले तो आप लोग, तो वो जो एकदम जो हाथ ऐसा जो हुआ ना आपको, वो एक मैसेज जनरेट हुआ, एक सिग्नल जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, उसे मैं क्या कह रहा हूँ, इम्पल्स कह रहा हूँ। वो इम्पल्स ट्रेवल करके दिमाग तक जाएंगे, दिमाग से वापस आएंगे। समझ में आया, पिछला वीडियो जरूर देखो यार, नर्वस सिस्टम का वो वीडियो, मेरा प्रोमिस है। आप मेरे लिए 20 मिनट निकाल लो, 20 मिनट निकाल के वो वीडियो जाके एक बार जरूर देख कर आओ। 20 मिनट पूरा वीडियो शांति से बैठो, एकदम मस्त तरीके से पूरा समझ में आएगा, फिर ये वीडियो देखना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था नर्व इम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे काटा चुहा, जैसे आपको चाटा लगा, आप टकरा गए, आपको सर में लग गई, आप गिर गए, आप उठ गए, आपको शोक लग गया, इन सब में क्या हो रहा है, आपके शरीर में एक ऐसी चीज़ हो रही है ना अजीब सी, वो इम्पल्स जनरेट हो, एक सिग्नल। ये सिग्नल किसके द्वारा जाते हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा जाए। आई होप कि आपको इम्पल्स का मतलब समझ में, इम्पल्स कहूँ, सिग्नल कहूँ, संदेश कहूँ, मैसेज कहूँ, एक ही बात है। बट इम्पल्स इज़ अ टर्मिनोलॉजिकल वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी में हम यूज़ करते हैं इम्पल्स। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। समझो बात को, समझो, मैंने कहा मेरे हाथों में काटा चुभा, सुई चुभी, एक मैसेज जनरेट हुआ, वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, समझना बात को, मैसेज जनरेट, जो मैसेज उत्पन्न हो रहा है उसे तो मैं इम्पल्स कहूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझना, मैं बताता हूँ आपको, पूरा क्लियर करूँगा। मैंने काटा चुभोया, एक जनरेट ऐसे चीज़ हुई ना, एक जनरेट, एक मैसेज, एक इम्पल्स जनरेट हुआ, वो उसको तो मैंने इम्पल्स कहा, पर वो इम्पल्स घूम कर मेरे दिमाग तक जाएगा, उसे मैं बोलूँगा एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रा समझो, समझो 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 थोड़ा समझो आप। देखो, दो तरह से क्रियाएं होती है। आप देखो, ये समझाने में क्या लगेगा, देखो मेरी बात सुनो, मुझे दो मिनट नहीं लगेंगे, पूरा पढ़ता जाऊंगा, आप घिस लेना, कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई जब तक, अगर मैं बोलता हूँ मेरा प्रोमिस, माइंड में बिठा लो चीज़ों को, आपको रटने एग्जाम में ऐसा याद होगा यार, ऐसे ईजिली शब्द निकलेंगे। इसलिए समझो, समझो एक्शन पोटेंशियल का मतलब, इम्पल्स का मतलब समझ में आया, एक मैसेज। अब देखो, समझना आप बात को, जैसे ही मेरे हाथों ने, समझना स्लो मोशन में बता रहा हूँ, ये सुई है,
सुई आई, हाथों में चुभी, अभी चुभी है, मैंने हाथ हटाया नहीं है भैया, जैसे ही चुभी एक ऐसे ऐसे हुआ स्लो मोशन में, और फिर ये दो क्रिया हो रही, एक तो ये और हाथ हटाया, तो एकदम जब आपके भाई ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही सुई आपके हाथों में चुभी तो एक इम्पल्स जनरेट हुआ, वो इम्पल्स को बोलूँगा एक्शन, ठीक है, इम्पल्स जो जाएगा ना वो एक्शन मेरे ब्रेन तक गई, फिर मेरे ब्रेन ने उस मैसेज को पढ़ा कि इसके हाथों में, बहुत जल्दी फास्ट होती है ये, जल्दी बहुत जल्दी क्रिया होती है, कांटा चुभा आप तुरंत हटा लेते हो, जैसे लगा तुरंत हटा लेते हो, तो ये क्रिया स्लो मोशन में, जैसे ही कांटा सुई चुभी मैसेज दिमाग तक गया, दिमाग से वापस आया, तो जाने की क्रिया एक्शन, आने की क्रिया पोटेंशियल, समझ में आया एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यही लिखा हुआ है कि जो ये ट्रांसमिशन इस संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है, सिंपल फिर से रिपीट करता हूँ भाई समझो जरा, ये न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भैया, क्रियात्मक संरचनात्मक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, नर्व इम्पल्स कहेंगे, इम्पल्स वो संदेश वाली चीज, ये इम्पल्स दिमाग तक जाएंगे, दिमाग से घूम के फिर आएंगे, समझे बात को, स्लो मोशन वाली प्रोसेस, तो जाने की क्रिया एक्शन, आने की क्रिया पोटेंशियल, समझ में आया कि नव इम्पल्स जनरेट होते हैं, ये नव इम्पल्स एक्शन और पोटेंशियल की क्रिया कहलाती है, एक्शन मतलब मैसेज गया, फिर पोटेंशियल मतलब तुरंत मैंने हाथ को हटा लिया, जैसे ही सुई चुभी सुई का मैसेज गया, दिमाग ने पढ़ा ये तो खतरनाक है, हटाओ हाथ, वापस से मैसेज जनरेट किया और मैंने हाथ हटा लिया, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, आगे बढ़ता हूँ, आई होप का ऐसी समझ में आई होगी आपको, दिस इम्पल्स मे बी इलेक्ट्रिकल और मे बी केमिकल, समझना बात को, ये संदेश जो न्यूरॉन के द्वारा जाते हैं या तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएंगे केमिकल, देखो मेरे न्यूरॉन्स में केमिकल रिसेप्टर होते हैं, तो मेरे न्यूरॉन्स केमिकल रिसेप्टर के थ्रू कुछ कुछ जो जानकारियाँ है वो केमिकल रिसेप्टर के थ्रू जाती है, कुछ कुछ जानकारियाँ इलेक्ट्रिकल, अब ये समझ लो भैया ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल, आप मैंने बोला आप बोलोगे सर यार आपने बोला कि मैसेज दिमाग तक जाता है, बस जाता है ना मैसेज, मैसेज दो तरह से जाता है, एक तो केमिकल के फॉर्म में और एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, अब आप बोलोगे सर थोड़ा अच्छे से एग्जांपल देके समझाओ कि ये इलेक्ट्रिकल और ये केमिकल का क्या सिस्टम होता है, अब समझना, जैसे ही मैंने सुई को चुभोया, मतलब मेरी सुई मेरे हाथों से टच हुई है, समझना, जैसे ही टच हुई मैसेज जो जनरेट हुआ ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल क्यों, टच हुआ एकदम ऊर्जा, जब आपको पता है जब किसी चीज़ किसी चीज़ से घर्षण होता है तब ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है, तो मैंने जैसे टच किया फ्रैक्शन हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जैसे फ्रैक्शन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी मेरे ब्रेन तक जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, अब आप बोलोगे केमिकल फॉर्म में कैसे मैसेज जाता है, ठीक है समझाता हूँ, समझना, सपोज करो एक दो ढाई तीन किलोमीटर जंगल में, समझना जहाँ आसपास कोई घर ना हो, वहाँ पे एक घर बना है, उस घर के अंदर आप बैठे हो, लाइट नहीं है, समझना इमेजिन करना, लाइट नहीं है, आप ऐसे बैठे हो कुछ ऐसे गहरी सोच में बैठे हो, और अगर कोई पीछे से आए और दूर से ऐसे कर दे हो तो क्या होगा, समझ रहे हो, आप डर जाओगे, एकदम ब्रेन घबरा घबरा जाएगा, तो भैया ब्रेन तक मैसेज गया है, मैसेज तो दिमाग तक जा रहा है, वहीं अगर किसी पागल व्यक्ति को बिठा दो क्या उसको ऐसा कुछ होगा, क्या वो डरेगा, नहीं डरेगा, क्योंकि उसका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, समझ में आया, तो वो जो मैसेज जाएगा ना वो केमिकल फॉर्म में जाएगा, वो केमिकल रिसेप्टर, यदि हमारे शरीर से कोई टच ना हो तब मैसेज जाने रहे उसको बोलते हैं हम केमिकल रिसेप्टर, और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा आप किसी शादी वादी में गए हो, बहुत सारे लोगों हजारों जने हो, आप ऐसे खाना खा रहे हो और कोई व्यक्ति कंटिन्यू आपको पीछे खड़ा हो और आपको ऐसे घूरे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है उसकी तरफ कि वो मुझे कंटिन्यूसली देख रहा है, चाहे उसे आप ना देखो, ठीक है मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लड़का इधर खड़ा है वो मुझे कंटिन्यू देख रहा है, अगर वो मुझे कंटिन्यू देख रहा है तो मेरा दिमाग उसकी तरह डाइवर्ट हो जाता है, एक मैसेज मेरे दिमाग तक जाता है, मेरे
हमारे शरीर की जो सेंसरी न्यूरॉन है एक मैसेज लेकर जाते हैं। वो मैसेज किस फॉर्म में जाएगा? केमिकल फॉर्म में। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल। इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि भैया ये मैसेज है, ये इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी जा सकता है, केमिकल फॉर्म में भी जा सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मैसेज आपके ब्रेन तक कैसे जा रहे हैं। आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से? अब देखो, आप टाइप्स ऑफ न्यूरोन के प्रकार, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी उसको देखो, उसमें भी बताया है सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी अ सिग्नल फ्रॉम द बॉडी स्किन मसल बोन टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। बोलना चाहता है कि सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश को लेकर दिमाग तक जाते हैं। जो संदेश को, समझना, एक तो मेरे ब्रेन तक जाएंगे, फिर ब्रेन परमिशन देगा उसको वापस। अभी वो कील वाला एग्जांपल फिर से सुई वाला बताऊं, मैसेज गया और फिर से रिटर्न वापस लौट कर आ गया, ये बताया था। इसमें क्या हो रहा है आप समझना, यहां पे जो संदेश, जो मैसेज मेरे शरीर से मेरे दिमाग तक जाएंगे, समझना, शरीर से जो दिमाग तक मैसेज जाएंगे वो कौन से न्यूरॉन के द्वारा जाते हैं? वो जाते हैं भाई सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज मेरे ब्रेन तक जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अब सेंसरी न्यूरॉन समझ में गया, डायग्राम देख लेना एक बार। डायग्राम अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो डायग्राम बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। मोटर न्यूरॉन, अब आप बोलोगे सर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? देखो, मोटर न्यूरॉन कैरी अ सिग्नल, जिसे हम इम्पल्स भी कह रहे हैं, फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। उल्टा हो गया पूरा। क्या बोलना चाहता है कि मोटर न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से संदेश को लेकर शरीर के सभी अंगों तक आते हैं, ठीक है। वही काटा छुपोया, मैसेज गया, मैसेज वापस आया। जब जाएगा तो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जाएगा, आएगा तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा आएगा। क्लियर हुआ कि हमारे शरीर से संदेश को मस्तिष्क तक ले जाने वाले न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है, और हमारे मस्तिष्क से संदेश को, इम्पल्स को हमारे शरीर तक लाने वाले न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। क्लियर है? एक और न्यूरॉन होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है? इंटर न्यूरॉन, इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखो, दिमाग तक गया फिर आया, तो बीच में जो कनेक्शन, जो जोड़ का काम, पाइप नहीं लगाते, पाइप में कोनिया लगाते, बीच बीच में जोड़ लगाते जाते, वो जोड़िंग का काम करता, जोड़ने का काम करता, ठीक है। इन न्यूरॉन को मुख्य कार्य होता है ये दो अलग अलग न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की संरचना, अब ये समझो भाई, सबसे पहली होती है सेल बॉडी। ये आपको ये वाला डायग्राम अगर दिख रहा हो तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये है सेल बॉडी। क्या होती है सेल बॉडी? इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच मेड अप मेनी कंपोनेंट्स। यस, कोशिका का शरीर कई भागों से मिलकर बना होता है। वही बात है, नॉर्मल सी बात है कि भैया शरीर उसके बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हो। बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी? न्यूक्लियस, ठीक है, विच मेक अ डीएनए आरएनए, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए बनाता है या प्रोटीन बनने में मदद करता है। अगर आपने जेनेटिक साइंस पढ़ी हो तो जेनेटिक साइंस में अगर आपको पता हो तो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, सॉरी जेनेटिक साइंस में न्यूरॉन्स क्या, न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए एंड आरएनए, वो प्रोटीन बनाता है। इसी टाइप से जो आपको न्यूरॉन कोशिका का डायग्राम दिख रहा है, इसके सेंटर में यदि आपको दिख रहा हो ये एरिया, इसको मैं बोलूँगा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डीएनए आरएनए बनाता है और वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ब्रेन को हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होते हैं? इट इज मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी अ इम्पल्स एंड सेंड टू द सेल बॉडी। बोलना चाहता है कि इसका मुख्य कार्य संदेश को लेकर आगे बढ़ाने की, आगे की ओर बढ़ाता है। देखो डेंड्राइट क्या है, अगर आपको न्यूरॉन्स के बाहर ये डायग्राम दिख रहा हो, ये फिंगर ऐसे धागे जैसे संरचना होती है, डेंड्राइट एक प्रकार की पतले पतले धागे जैसी ये संरचना होती है जो कि न्यूरॉन्स को, जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये डेंड्रॉइड है। अब ये क्या कर रहा है डेंड्रॉइड? ये मैसेज को कैरी कर रहा है, इधर से मैसेज आया, पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, वो पकड़ के आगे की, ये डेंड्रॉइड है, ये मैसेज पकड़ के आगे भेजेगा। इसी टाइप से डायग्राम देख लो, ये डेंड्रॉइड है ऐसा हाथ जैसा, ठीक है, ये हाथ का ये है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस के सेंटर में, और ये डेंड्रॉइड ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये मैसेज को कैरी करते हैं, पकड़ते हैं और आगे देते हैं, फिर वो छोड़ देता है, फिर दूसरे पकड़ते हैं, ठीक है। तो डेंड्रॉइड का मेन काम क्या है कि ये संदेश को इकट्ठा करके आगे भेजता है। ये वाला जो डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है डेंड्राइट का है। डेंड्राइट के बाद क्या होता है?
एक्सोन। अब ये एक्सोन क्या होता है भैया? एक्सोन इज अ फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डायग्राम। देख लो, देखो ये था डेंड्रोइट, इसके बीच वाला जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको मैंने एक्सोन कहूँगा। बीच वाले मिडिल बॉडी एक्सोन कहलाती है। एक्सोन होती क्या है? एक्सोन इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच कैरिंग अ सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट एंड सेंड टू द एंडिंग नर्व एंडिंग। एक्सोन पतले धागे के समान संरचना होती है, यह डेंड्रोइट से संदेश लेकर आगे की ओर भेजती है। ठीक है, क्या करती है? ये रहा आपका एक्सोन, इसने डेंड्रोइट ने मैसेज, ये मैसेज आया, ये मैसेज यहाँ पे इकट्ठा हुआ, इसने यहाँ दे दिया, यहाँ से ये यहाँ चला गया एक्सोन। और एक्सोन क्या करता है? पीछे भेज देता है। यहाँ पे फिर एक और न्यूरॉन आके जुड़ जाता है, एक और न्यूरॉन आके जुड़ जाता है, फिर वो ऐसे पूरी धागे बन जाता है। ठीक है, जब छोटे छोटे न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे तो लंबा सा धागा बन जाएगा, जिसे नर्व्स कहते हैं अपन। ठीक है, नर्व्स कहते हैं। ये समझ में आया आपको कि भैया एक्सोन होता है, एक्सोन का मेन काम ये होता है। ठीक है, दिस एक्सोन मेड अप मेनी श्वान सेल। समझ नहीं, ये श्वान सेल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। श्वान सेल क्या होती है? मेनी श्वान सेल एंड ग्रुप ऑफ दिस श्वान सेल आर कॉल्ड माइलिन शीथ। समझो बात को, वन मिनट मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। श्वान सेल से मिलकर, देखो डायग्राम पे आते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि जो ये एक्सोन है, एक्सोन जो होता है छोटी छोटी आपको सेल दिख रही है, इन कोशिकाओं को मैंने श्वान कोशिकाएं कहा। क्या बोला है? श्वान सेल। अब ये श्वान सेल जब आपस में मिल जाती है तो क्या बना लेती है? माइलिन शीथ। ऐसे धब्बे धब्बे जब्बे जब्बे जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं कहूँगा माइलिन शीथ। समझ में आया? एक्सोन होता है और एक्सोन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें श्वान कोशिकाएं कहते हैं। ये श्वान सेल माइलिन शीथ को बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एग्जामों में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा प्रोमिस है। ठीक है, माइलिन शीथ जिसे कहते हैं। ठीक है, दिस हिंदी में एक बार देख लो, यह एक्सोन कई श्वान कोशिकाओं से मिलकर, थोड़ी सी गलती हुई है, एक्सोन ही है, यह एक्सोन कई श्वान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जब यह कोशिका आपस में जुड़ जाती है तब ये एक माइलिन शीत बनाती है। माइलिन शीत इनको बोला है मैंने। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ बंडल दिख रहा है, इस पूरे बंडल को मैंने माइलिन शीत के नाम से बोला है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि माइलिन शीत अपन किसको कह रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं एक्सोन का पार्ट। बिटवीन द टू श्वान सेल प्रेजेंट नोड ऑफ रणवियर। अब ये नोड ऑफ रणवियर क्या है? दो श्वान कोशिकाओं के बीच में खाली जगह पाई जाती है, जिन्हें नोड ऑफ रणवियर कहे जाते हैं। देखो जरा एक बार डायग्राम देखो, समझना भाई, ये न्यूरॉन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक एक स्ट्रक्चर मैं आपको हाई लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, एक एक डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो आपको डेंड्रोइड, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल बता के छोड़ देता, हाँ हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट देखते, जिसको जितना समझना उतना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिखोगे सफिशियंट है, बट आप ज़्यादा डीप पढ़ोगे, माइंड में रहेंगे, वाइवा वगैरह आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो जरा डायग्राम, मैंने कहा है एक्सोन, एक्सोन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें श्वान कोशिकाएं कहते हैं। ये रहे भैया श्वान कोशिकाएं, ये श्वान कोशिकाएं आपस में मिलकर गुच्छा बना लेते हैं, जिन्हें बोलते हैं माइलिन शीत कहते हैं। ये रहा माइलिन शीत, इन दोनों के बीच में यदि आपको ये जगह दिख रही हो, ये कोशिका है, समझना डायग्राम देखो आप, एक मिनट, वन मिनट। ठीक है, ये डायग्राम देखो जरा, ये कोशिका है, एक कोशिका ये है, इन दोनों के बीच में जरा सी खाली जगह आपको दिख रही होगी, जिसे नोड ऑफ रणवियर कहते हैं। अगर मैं आपको क्लियर करूं, वन मिनट मुझे पेन लेने दो, यहाँ से सिग्नल आया, ये सिग्नल आया यहाँ पे, ये ऐसे पंप होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसके बीच में ये जगह कुछ इस तरह से है, वो श्वान सेल, तो ये बीच में जो खाली जगह है ना, इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने नोड ऑफ रणवियर कहा है। ठीक है, नोड ऑफ रणवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि इंपल्स कहाँ ट्रेवल करते हैं? नोड ऑफ रणवियर के ऊपर ऐसे कूदते, ऐसे 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 कंटिन्यू, मतलब ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो एक्सोन श्वान कोशिका से मिलकर श्वान कोशिकाएं साथ में मिलकर क्या बना लेती है? माइलिन शीत। माइलिन शीत के बीच बीच में खाली खाली जगहें पाई जाती है, जिसे नोड ऑफ रणवियर कहा जाता है। आगे बढ़ता हूँ, एक्सोन टर्मिनल इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच गिव द सिग्नल टू अदर न्यूरॉन। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल न्यूरॉन के आखिरी भाग में नर्व एंडिंग पाई जाती है, जो संदेश को, डायग्राम देखो,
ये नर्व एंडिंग। अब जो आखिरी भाग है ना, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। देखा, बल्ब ऐसे गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिग्नल छोड़ देते, दूसरे को देते। मैसेज आया यहाँ से, यहाँ से आया यहाँ चला गया। फिर से एक बार आपको डायग्राम रिपीट कर देता हूँ। देखो भैया, एक न्यूरॉन कोशिका होती है। न्यूरॉन कोशिका में सबसे ऊपरी भाग डेंड्राइट कहलाता है। डेंड्राइट सिग्नल को कैरी करता है। बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच वाली बॉडी को एक्सोन कहते हैं। एक्सोन माइलिन शीथ होते हैं। श्वान कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बीच बीच में नोड ऑफ रणवियर पाया जाता है। आखिरी में नर्व एंडिंग होती है। यह स्ट्रक्चर पूरा न्यूरॉन का आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। यार प्लीज़ वीडियो को लाइक, और यार आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा मेरे लिए, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट आप से, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट रहता है मैं क्लियर कहूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रॉल डाउन करके मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना, वहां पे आईडी दी हुई है, वहां से आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा सब लोगों के। अगर आपको डाउट है कमेंट्स में, आप यहां पे कमेंट्स करो, मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट्स का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूं। अगर कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।